नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एनटीए ने शुक्रवार को शाम 8:30 बजे सीएसआईआर यूजीसी नीट परीक्षा स्थगित कर दी। यह एग्जाम 25-27 जून के बीच होना था। परीक्षा स्थगित करने की वजह रिसोर्सेस की कमी बताई गई। एनटीए ने कहा कि इस परीक्षा का नया टाइम टेबल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट csirneet.nta.ac.in पर अपलोड किया जाएगा। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सुपर 8 में तीनों मैच जीतने होंगे। टीम आज रात 8 बजे से बांग्लादेश का सामना करेगी। वहीं पहले मैच में अफगानिस्तान को हरा चुकी है। भारत का तीसरा और आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में बारिश के आसार काफी ज्यादा होने की वजह से भारतीय टीम के लिए इस तरह की स्थिति बन रही है। टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो उससे 27 जून को गुयाना में वह मैच खेलना होगा। इंदौर में शुक्रवार को मालवा एक्सप्रेस से 26 वर्षीय युवक की लापरवाही के चलते जान चली गई। बताया जा रहा है कि युवक ईयरफोन लगाकर पटरी पर चल रहा था। ट्रेन के ड्राइवर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने कई बार हॉर्न बजाकर उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तेज रफ्तार के कारण सुरक्षा के मद्देनजर ड्राइवर ट्रेन को रोक नहीं सकता था, इसी वजह से हादसा हो गया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय शुभम पिता संतोष पावड़ी निवासी बानगंगा के रूप में हुई। वह मजदूरी करता था जबकि पिता प्लम्बर है। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक हो चुकी है। शुक्रवार 21 जून को मानसून ने पारडूना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर जिलों में दस्तक दे दी है। वहीं अगले 36 घंटे में प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 8 जिलों में मानसून की एंट्री हो सकती है। फिलहाल इन जिलों में प्री मानसून एक्टिव है। राजगढ़ जिले में लगातार बढ़ रही चोरी के बीच एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इन चोरों ने जिस मंदिर में चोरी की उसी मंदिर में कान पकड़कर माफी मांगी और चोरी नहीं करने का संकल्प लिया। चोरी करने वाले 3 आरोपियों को 5 लाख रुपए के सामान के साथ पकड़ा है। धार जिले के तांडा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया है। यहां कौदी गांव में एक युवती को सरेआम डंडे से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। युवती को कई लोग पकड़े हुए हैं और उसे सरेआम पीटा जा रहा। वहीं आसपास के लोग मुखदर्शक बनकर देखते रहे। हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर एक हरे रंग का विशाल ड्रैगन दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर आई तो लोग हैरान रह गए कि आखिर यह है क्या और कहां से आया। इमारत को अपनी आगोश में जकड़े ये ड्रैगन भयंकर दिख रहा है। एक झलक में देखकर लगता है कि मानो ड्रैगन ने दुनिया पर हमला बोल दिया। हालांकि लोगों को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया बलून ड्रैगन है। HBO ने गेम्स ऑफ थ्रोन्स को प्रिक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन की प्रमोशन के लिए बनाया है। इंस्टाग्राम पर महिला का दिल दुखा देने वाला वीडियो वायरल हुआ। क्रिस्टन कैली नाम की इस महिला ने रोते रोते बताया कि जिस बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ में कुल 7 सालों से हूं, उसने मेरी दोस्त के साथ कल्याण के साथ मिलकर धोखा दिया। क्रिस काम का बहाना बनाकर दोनों $6,000 की उस मैक्सिको ट्रिप पर साथ निकल गए थे जो मैंने अपने परिवार के लिए ली थी। उसने कहा था कि मैं 8 महीने की प्रेगनेंट हूँ और हमारा दूसरा बच्चा होने वाला है, ऐसे में उसके पास होना उसका बहुत जरूरी था। इधर ये दोनों ट्रिप पर गए जहां इनका एक्सीडेंट हो गया और मुझे ये सब GoFundMe के पेज से मालूम हुआ, जहां कलीन का परिवार दोनों के लिए इलाज के लिए क्राउड फंडिंग जुटा रहा है। मैं खुद के लिए इतना बेवकूफ महसूस कर रही हूं कि बता नहीं सकती। नालंदा बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी के तहत ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर मजदूर के द्वारा भराव पर इलाके में बड़े बड़े गड्ढे किए गए हैं। दरअसल शुक्रवार रात करीब 1 बजे अचानक ही घूमते घूमते गाय आई, जिससे कि अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं दिखा और वो 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिससे पिलर का बहुत बड़ा लोहे का सरिया गाय के पेट में घुस गया। गाय के पेट में पिलर का बहुत बड़ा सरिया पेट के अंदर घुस गया, जिस तरह गाय गंभीर रूप से जख्मी हो गई। करीब 8 घंटे बाद गाय को गड्ढे से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई। जिले के तराना तहसील के कायथा के समीप गांव साकरी में कुएं में गिरकर डूबने से मामा और भांजे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मामा और भांजा कुएं की मुंडेर पर बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान नशे में उनमें से कुएं में गिर गया। दूसरा व्यक्ति उसे बचाने के लिए कुएं में कूदा और दोनों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। फिलहाल प्रमुख खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।